मेरे वालों सारे भैन भाइयों नूं सलाम होवे, जातकां बजुर्गां ते माइयां नूं सलाम होवे। अज दी गल दे नाल नासर जमील हाजिर खिदमत है और अज दी गल जिहड़ी है उह सी पाकिस्तान दे एक बहुत वड्डे दानिशवर, एक बहुत वड्डे रिफॉर्मर और खास तौर पर कम्यूनल प्रॉपर्टीज़ वास्ते और कम्यूनल प्रॉपर्टीज़ चों वी खास तौर पर जिहड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनस ने उन्होंने, मैं कहाँगा एक मसीहा दे नाल जिहड़ा है वह असी अज की गल जी है कर रहे हैं और अज का प्रोग्राम कर रहे हैं और असी कोशिश करांगे कि इस जिहड़ा सिलसिला है इनू तुहाडी पूरी जिहड़ी दिलचस्पी है उनू कायम रखण वास्ते असी बहुत ज़्यादा लेंथी जिहड़े एपीसोड्स ने वह तुहानू ना देईए। द फस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम विल बी इन इंग्लिश बिकॉज आर क्वेश्चनस वर इन पंजाबी, बट बिकॉज मिस्टर अजराया इज मोर ईजी एंड फ्लुएंट इन इंग्लिश, सो he would like to stay in English. So for his convenience, my questions and his answers will be in English, but for your convenience. So for your convenience, we are giving subtitles in Urdu too, and you may be understand it well. So enjoy the program, and we shall have a healthy talk. And by every corner of his life, we shall try to round it. So, God bless you. Have a very, very good talk with Mr. Azraya. I will not be seen on the screen today, but Mr. Azraya will be. But my question will be there. देखिए मुझे किसी ने कोई लाया नहीं। ये इत्तेफाक है कि मैं आ गया। जैसे मैंने आपको बताया। जब मैं आया तो यहाँ पे कोई काम की चेयर नहीं थी, कोई टाइपराइटर तक नहीं था। हमारे अकाउंटेंट थे यहाँ पर, मैंने उनसे पूछा भाई ये टाइपशेप कहाँ से कराते, बाजार से कराते हैं। यू कैन इमेजिन, टाइपराइटर एक होता था वो भी गया। बैंक में सिर्फ 20,000 रुपया था, 13-14,000 की सैलरी जाती थी पर मंथ डिफरेंट। हाँ मैंने सोचा भाई क्या करूँ भाई, बिल्कुल कंगाल है। मैंने बेटे से बात की, बड़े से, उसने कुछ कंप्यूटर खरीदे थे। उससे मैंने कहा कि भाई तुमने कंप्यूटर खरीदे जो बेच रहे तुम्हें, उनसे को हमें किस्तों पे दे दे। मैंने एक कंप्यूटर उनसे लिया। अपने ख़ानदान में भी मैंने अपनी बात पहुँचाई, बाहर भी पहुँचाई। इनकरेजिंग रिस्पॉन्स आए, मुझे भी हौसला हो गया। इस वक्त जिन चेयर्स पे आप बैठे ये विजिबल नहीं थे, चेयर आजकल हमारे गेट के ऊपर है। एनीवे वी स्टार्टेड वर्क, खुदा का फजल से आहिस्ता आहिस्ता आई ओपन द प्रिजन मिनिस्ट्रीज, आई डिड मैनी अदर थिंग्स। जहाँ जहाँ काम होते थे वो किए, उनको दोबारा रिन्यू किया, बाहर की दुनिया से कनेक्शन पैदा किया, मीटिंग्स पे जाने शुरू किया, लोगों को एज डेलीगेशन भेजना शुरू किया। खासा काम हो चुका था, खुदा ने मुझे काफ़ी हिम्मत दी इस मामले में। आपने इस बिल्डिंग से पहले देखे थे ऑफिस? जी। जब मैंने इन ऑफिस को देखा तो इस तरफ दीवार थी, ईंट निकाल लो तो सूरज की रोशनी आ जाती, ऊपर से मिट्टी गिरती थी। चूँकि मैंने बिल्डिंगें बनाई हैं, मेरे दिमाग में ये खलत था कि यार क्या NCCP का ऑफिस है। मैंने कर करा के 6 लाख रुपया इकट्ठा किया। शगिर्द था आर्किटेक्ट, उसको बुलाया खुर्शीद को, मैंने कहा नक्शा बनवाया उससे और इसको मैंने पास कराया एग्जीक्यूटिव कमेटी में नक्शे को, और उन्होंने मजाही तौर पे इसको पास किया। ओ जी बनाओ, मंजूर को जराया साहब पैसा का ठकर नापी बनाओ। उनके जेन में था हड्डी वड्डी बिल्डिंग कितों बना लेगा, मॉडल बना था पूरा। ये वो कहना, मैंने मॉडल भी बनवाया था, वो नजर आता है बिल्डिंग कैसी होगी।
एनीवे मंजूर हो गए, मुझे मंजूरी की तो ज़रूरत थी। 6 लाख रुपये उसने कहा जी 12 लाख में ग्राउंड फ्लोर बन जाएगा। मैंने कहा चलो दफ्तर तो बनाओ, मैंने गिरा दिया। मशहूरी हो गई जी विक्टर, बस बेचने लगा जी प्लॉट हो गया। बिशप सेवन प्रिंस को बुलाया, अप्रैल में मैंने इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग कराई, शुरू कर दी। हैरान हो गया, शुरू हो गया फिर चलता ही गया ऊपर तक, रुका नहीं। माई चिल्ड्रन दे यूज्ड टू सेंड मी मनी, उस मुझे $1,000 भेज देते थे, 62 रुपये का होता था, पौने 2 लाख रुपया तो बन जाता था। सीमेंट 9 रुपये बोरी, ईंटे 4,000 रुपया, 411 रुपये थे, 4,000 रुपये के साथ। मैंने ये सोचा कि जब मैंने ये बिल्डिंग शुरू की तो मैंने सोचा कि इसमें 12 लाख लगेंगे, ये पैसे तो मैं अपने बच्चों से इकट्ठे कर लूँगा और 6 लाख बना दो। फिर ऐसा फ्लो चला, मैंने किसी से नहीं मांगा, ना किसी ने दिया, नॉट सिंगल चर्च इन पाकिस्तान, नॉट आउटसाइड एनी एजेंसी एनी चर्च कंट्रीब्यूटेड ए सिंगल पेनी टू दिस। अब मैं सबको तो नहीं जाके समझा सकता ना, नहीं समझ आती थी ना समझे। बिल्डिंग बन गई, मेरे आर्किटेक्ट ने कहा कि 3rd फ्लोर को आपको गेस्ट हाउस बनाए, आमदनी होगी। मैं चलो, क्योंकि मुझे पैसे देने थे सिर्फ मजदूरों को, मटेरियल मैं क्रेडिट पे लेता था। उससे मैंने कहा शेखा पैसे जो होंगे देंगे। 25 एयर कंडीशनर मैंने लिए, 90,000 रुपया दिया मैंने उसको, बाकी मैं तो किस तरह जाके मंगी ना, मेरे को खुदा ने मुझे बड़ी मदद दी, मुसलमान दोस्तों ने मदद दी, किसी क्रिश्चियन ने एक पैसा नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। हम विक्टर दे खा गया तो फिर की कर सकते हैं। ये देखिए इसमें सबसे पहले यह है कोऑर्डिनेशन बिटवीन द चर्चेस, विच आई डिड वेरी वेल। 12-14 साल तो मैंने बड़ा खूबसूरत काम, तमाम प्रोटेस्टेंट चर्चेस एक्सेप्ट पेंटिकॉस्ट वगैरह, बाकी उनको बुला लेते थे, सलवेशन आर्मी, चर्च ऑफ पाकिस्तान, ऑल डायसिस, पेसिफिक चर्च है, ARP चर्च है, हम कैसर साहब के लियाकत कैसर के भी चर्च को बुलाते थे, मतलब सबको बुला लेते थे। बात यह है कि इसका जो काम था, अब बयान करना ज़रा बड़ा मुश्किल लगता है मुझे, इट्स इकुमेनिकल मूवमेंट थी ये, चर्चेज में युगानवित सेमिनार्स कराए मैंने यहाँ पर, 2 मैंने सेमिनार्स कराए वुमेन सेमिनेरियंस की, ये सोचते हुए कि औरतों को आप सेमिनरी तो करवा देते हैं, उनसे काम क्यों नहीं लेते। मेरे जहन में एक बात आई थी, मैं कोलंबो जा रहा था एक मीटिंग के लिए, कराची एयरपोर्ट पे एक बुरका पोश लड़की कभी इधर जाए कभी उधर जाए, तो मुझे ये समझ आई कि इसको किसी चीज़ की ज़रूरत है जो समझ नहीं आ रही कहाँ से मिलेगी। उन दिनों में डिपार्चर फॉर्म भरा जाता था बाहर जाने के लिए, तो मैंने पूछा उससे आर यू लुकिंग फॉर डिपार्चर फॉर्म, यस आई गो टू दैट काउंटर, शी गॉट इट। अब इत्तेफाक से वही लेडी मेरे साथ, उसने मालदीव जाना था, शी वाज़ फ्रॉम मालदीव, मेरे साथ सीट पे फ्रंट पे बैठी थी, बुरखा पोश। कुछ देर तो मैं खामोशी से बैठा रहा, फिर मैंने कहा चलो इससे थोड़ी सी बातचीत करें। मैंने कहा व्हाई यू केम टू पाकिस्तान, यू आर फ्रॉम मालदीव। आई एम कमिंग फ्रॉम लाहौर, आई जॉइंड दी मदरसा ऑफ जमायत इस्लामी फॉर इस्लामिक स्टडीज, आई स्पेंड 2 ईयर्स ओवर देयर, व्हाट यू विल डू विद दिस इन मालदीव, आई विल गो टू ईच एंड एवरी फैमिली एंड टीच इस्लाम टू
children and the women's. From that my idea came कि हमारी लड़कियां भी सेमिनरी करती हैं, उनको तो चर्चा इस्तेमाल ही नहीं करते. एक औरत फैमिली में ज़्यादा बेहतर काम कर सकती है बजाय एक पादरी के. पादरी तो नमाज पढ़ कर कहा जाएगा ना, शी कैन टॉक ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स, शी होम इन टू द हार्ट्स ऑफ द पीपल. मैंने दो कंसल्टेशन कराई, बुलाया एस चर्चेज दे उते ज्यों तक नहीं रहेंगी. 100 से ज़्यादा सेमिनेरियन लेडीज आई यहाँ पर. अभी रिसेंटली भी मैंने कराया टूर दोबारा उसको रिफ्रेशर. देखिए जिसलिए विषय पर पादी आप लड़ते रहन, इन इस्लामिक कंट्री वी शुड बी टुगेदर. वी शुड असी बिल्कुल बनावटी गल कर रहे हैं, खुदा जैसे मसीह झुक जाओ ये करो वो करो. झुक जाओ तो क्यों नहीं फायदा होता, झुकते ही नहीं है. मेरे ख्याल में 150-200 से कम लोग नहीं हुए, मैंने गिने तो नहीं, बहुत लोग थे. उनके क्रैकर थे, उन्होंने चलाए, खुशी मनाई, सब कुछ. जब मैं घर में दाखिल हुआ तो हमारी लीडरशिप ग्रीन थी जो चर्च की, वो अंदर बैठी थी. खुशी तो मुझे भी हुई. और जब मैं अंदर घर के गया तो बाहर की हैज पे दो क्रैकर वहाँ चले, वो जमायत सलामी वर्ग ने चलाए हमें ड्रा. तो एक अजीब समा था, खुशी का भी और एहतियात का भी, खौफ का भी. खौफ नहीं, एहतियात का भी. सारी रात जागते रहे, चाय शाय पीते रहे, लोग फिर चले गए. अब आपने जो बात कही थी वो प्रॉपर्टी की वापसी की, नवाज शरीफ की हुकूमत में कोई हमें उम्मीद नहीं थी और वो भी ऐसा. जो ही नवाज शरीफ हमने शायद उसी जमाने में किया, हमने अरेंज किया जो कि पाकिस्तान का कल्चर है कि इसके बगैर काम नहीं होगा. अगर हम नहीं होंगे तो ये कभी नहीं होगा, क्योंकि पता तो नहीं होता ना आदमी किस वक्त चला जाए. तो वो हमने उसको मैनेज किया, वकील मुकर्रर किया, जो जो ज़रूरियात थी सब पूरी की. और वो हमें उन्होंने लिख के दे दिया सुप्रीम कोर्ट के आर्डर नंबर फलाना फलाना, डेट फलाना फलाना, इशूड बाय जस्टिस नसीम हसन, ये प्रॉपर्टी चर्च के नाम वापस की जाती है. दैट वाज ग्रेट थिंग फॉर अस. अब मैं मालिक नहीं था, मैं मैनेजमेंट में नहीं था. अब चर्च जाने वो जाने, फिर कुदरत के काम. आगे हमारे परवेज मुशर्रफ फोरमनाइट थे, परवेज लाइफ फोरमनाइट था. परवेज वापस करो, जब सुप्रीम कोर्ट वापस कहती है वापस हो गए. फिर कॉलेज नहीं, स्कूल भी वापस हो गए. यस, बेशुमार स्कूल वापस हुए जो जो ले सकते थे. तो ये खुदा ने हम पे बहुत बड़ी नेमत की, बहुत रहम किया. लोग ने मोहब्बत की खातिर मुझे बदनाम करते हैं, लेकिन वो भी एक खुशी की बात है कि कुछ करते तो हैं ना. नहीं, दे वर स्पेक्टेटर्स, दे वर नॉट एक्टिव, दे यूज्ड टू बी इन लाइन विद मी. बट जो फेस करना था वो तो मैंने किया, और अकेले बांधे जो फाइल केस करता उसी ने फेस करना था. तो वो तो मैंने किया क्योंकि मेरे दस्तखत से हुआ. बिशप अलेक्जेंडर जान मलिक ने अपनी किताब में 3 लाइन में कह दिया, हमने विक्टर ज़रा डेल्वी को कहा केस कर दो. और भाई उसको तो पता ही नहीं था कि केस क्या होता है, लेकिन अपनी अपनी कहानी सब ने डाली है. आई डोंट माइंड दैट. लेकिन खुदा ने मुझे बहुत बरकत दी है. अब ये जो जब वो कॉलेज वापस हो गया, एक्चुअली इट इज़ नॉट नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ. द पीसी एस ए गवर्नमेंट वांटेड कंपनसेशन. दीज पीपल सेड ऑल राइट वी विल बाय एंड वी मेक इस्लामिक यूनिवर्सिटी एंड दे हैड मीटिंग इन न्यूयॉर्क. हमें भी पता लग जाता था
लेकिन वो एक केस था जो इनकी जान नहीं छोड़ता था. And that was the only hurdle. That is the only hurdle for them. फिर फैसला हो गया. यहाँ पे एक मिशनरी था, वो मेरे अंदर से बहुत ख़िलाफ़ था, तो मैं उसके खिलाफ था, मैं बर्दाश्त नहीं करता. जब अखबार में निकल आया, मैं उसके घर गया, मैं कर लो ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम जानो तुम्हारा काम जाना. मैंने अपना काम कर दिया, अब इसको कोई बेच नहीं सकता. आज उस केस के फैसले से स्कूल वापस हो गए, लूसी हैंसन वापस हुआ, ये तारघर स्कूल वापस हुआ, सेंट जोसेफ वापस, मैं और भी बड़े हुए हैं. लेकिन आगे इन्होंने हिम्मत नहीं की वापस लेने की, गोंगलू बन गए ना सारे ही. हाँ, पंजाबी की कहते हैं. सो अभी भी हो सकता है. मुझसे बात नहीं करते, डरते हैं मुझसे, घबराते हैं. अल्लाह बेहतर जाने क्यों. एक फंक्शन किया, दो केस थे, एक मैंने किया था, एक मैंने ट्रस्ट के हवाले से किया था, क्रिश्चियन एंडोमेंट ट्रस्ट. दोनों का फैसला हो गया हमारे हाथ में. तो ट्रस्ट ने जस्टिस शौकत के ऑनर में एक डिनर अरेंज किया, 350 लोगों को बुलाया गया चर्च की बैक में, और ऊपर मिस्टर एरिक मैसी बैठे, मिस्टर वहाब बैठ गए, मिस्टर फेलवस बैठ गए, इस किस्म के उसके अपने दोस्त बैठे. एरिक मैसी ने बहुत लंबी तकरीर की, थोड़ा सा मेरा नाम भी ले लिया. मैं वो बात बता रहा हूँ जो फैक्ट है. बंदा मरण वाला कोई करना. इसके बाद उन्होंने जस्टिस शौकत से कहा अपने ख्याल का इजहार करें स्टेज पे. जस्टिस शौकत जब उठा है तो गुस्से में, पाकिस्तान को बनाने वाला एक शख्स था मोहम्मद अली जनाब, इस केस को जीतने वाला एक शख्स है विक्टर अजराया, वो मेरे पास आया, जब सब ये केस है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैंने वो केस किया, ये केस विक्टर अजराया ने जीता है, किसी और ने नहीं जीता. उसने विक्टर अजराया, अगर यहाँ पर उसको पता था मैं उसकी बेगम पापा बैठा, अगर यहाँ पर रहते हो आप बाहर आ जाए. मैं गया, उसने अपने गले का हार मेरे गले में डाला, ये हार इसका है. तो खुदा ने पीछे रखने की बजाय सबसे आगे कर दिया, ये उसकी मेहरबानी है. मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बात सीखी है, सच बोलो, सच्चा काम करो, आपको कोई क्रेडिट देता है या नहीं देता, दैट इज नॉट योर जॉब. तुम्हारी जॉब है काम करो और ठीक करो. नाजरीन, तुसी देखिया है अज की किस्त दे विच के विक्टर राय साहब ने अज दा जिहड़ा टॉपिक दिता सी उन्हां नूं उहदे ते गलबात कीती है. अज दे टॉपिक दे हवाले नाल अगर तुहाडे कोई सवाल होवे, कोई कॉमेंट होवे, कोई होर सच्चाई होवे जिहड़ी तुसीं साडे नाल शेयर करना चाहुंदे हो इस हवाले नाल, या इस स्ट्रगल दे विच जिहड़े साथी इन्हां दे नाल ने, अगर उन्हां चों कोई साथी जिहड़े ने इन्हां दे अगर वह कोई अपना कॉमेंट करना चाहते हो तो असीं उन्हां नूं वैलकम करांगे. और अगर कोई तनकीदी जायजा भी इहदा इन्हां प्रोग्रामां दा लैणा चाहुंदा होवे वह भी, और अगर कोई ऐसा इल्ज़ाम या ऐसा ब्लेम जिहड़ा है जिहड़ा तुहानूं पता होवे भी ये जिहड़ी गल है ये सच ते मबनी है ते इन्हां कोल असीं नहीं पुछ सके, तुसीं जरूर दस्सिया जे, असीं फिर इन्हां दी खिदमत दे विच हाज़र हो जावांगे. लोड़ इस गल दी है कि जो कुछ इन्हें दसिया है वो चो असी जिथे भी हाँ जिस तरह के भी हाँ इस वक्त खा किसी भी जगह पर हाँ, खा स्टूडेंट हाँ, खा मुलाजम हाँ, खा असी लीडर हाँ, असी अपने तई कौम की बेहतरी वास्ते की किरदार अदा कर रहे हैं, एक सवाल है. अज की गल इतने मुकाने, रब रखा.